एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे को नए ब्लॉग में। तो भाई जैसे कि आज संडे है, आप सबको पता नहीं होगा, मैं बता दूं आज संडे है, तो हम जा रहे हैं कहीं घूमने। हमारे साथ है फैजान और ये हमारे साथ खलेरा जो भाग रहा है, देखो कैसे भाग रहा है गिटार लेके। तो अभी हम सोचा कहीं घूम के आ जाए, संडे है घर पे, बहुत दिनों के कहीं घूमे हुए हमें, देर हो रही है, जल्दी चले जल्दी चले। चलो फिर चलो फिर मिलते हैं, अभी देखते कहाँ जाते हैं। आ गए हम हुमायूं टॉम्ब और हमने लगा दी बाइक पार्किंग में, तो अंदर जाते हैं, अभी देखते हैं कैसा माहौल होता है यहाँ का, क्या होता है यहाँ पे, दिखाते हैं आप लोगों को भी। अगर आप हुमायूं टॉम्ब आ रहे हो तो यहाँ पे ये ऑनलाइन टिकट मिलेगा, यहाँ पे ऑफलाइन टिकट नहीं मिलेगा आपको। ऑनलाइन टिकट के लिए मैं प्रोसेस बताता हूँ आपको। ये लगा हुआ है एक बार कोड बाहर, एक वो लगा हुआ है बार कोड, एक ही है। जब आप इसको बार कोड को स्कैन करेंगे अपने पेटीएम से तो आपको टिकट बुक करने का ऑप्शन मिल जाएगा, वरना ऑफलाइन तो आप ले ही सकते हैं और ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। आधा घंटा जद्दोजहद के बाद हम आ गए हैं हुमायूं टॉम्ब के अंदर, क्योंकि जद्दोजहद हमें इसलिए करनी पड़ी है क्योंकि हमें ऑनलाइन टिकट लेना पड़ा है, ऑफलाइन टिकट नहीं मिल रहा। अगर आप आ रहे हैं तो टाइम पर आइए, वरना आपका आधा घंटा वेस्ट हो जाएगा टिकट लेने में ऑनलाइन। तो अभी चलते हैं अंदर, फिर देखते हैं क्या देखने के लिए मिलता है हमें। तेरी तक तीर ये देख सकते हैं आप, व्यू कितना अच्छा आ रहा है यहाँ का, एकदम मस्त। तो यहाँ पे फैजान जो आया था वो रील्स बनाने के लिए आया था गिटार लेके घर से, और गिटार जो इसका भार जब्त हो गया। तो फैजान आपको कैसा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है गिटार जब्त हो गया आपका भार? इतने का इसका मुंह देख सकते हैं आप, पूरा इरादा बना के आए थे वीडियो बनाने का गिटार से। हुमायूं टॉम्ब की हिस्ट्री मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपको, सिर्फ दो लाइन में ही हिस्ट्री बताऊंगा मैं इसकी आपको पूरी हुमायूं टॉम्ब की। आप जाके गूगल पे सर्च कर लें, बस मुझे कुछ नहीं पता। उन्होंने मिला है हिस्ट्री इसकी, हुमायूं टॉम्ब की हिस्ट्री। ये देखिए पूरा मैप हुमायूं टॉम्ब का ऐसे बना रखा है इन्होंने। ये जो है एक शीशे के अंदर है, शीशा बड़े पूरे पे एक ऊपर से भी पैक है शीशा। वाह भाई वाह, ये हिस्ट्री है पूरी जो इसके बारे में कुछ लिखा, पढ़ने का मेरे पास टाइम नहीं है। हाय हाय, ये देख सकते हैं आप पूरा मैप वगैरह सब बना पड़ा है। ये पूरी हिस्ट्री है, ये हुमायूं टॉम्ब है पूरा ऐसा दिखता है ऊपर से हुमायूं टॉम्ब। और यहाँ पे रखा है कुछ भी नहीं है यहाँ, ये पूरा खाली है। ये गुंबद सी एक, और यहाँ अंधेरा बहुत है और ये खाली है, तो इसको यहीं छोड़ देते हैं, खाली रहने देते हैं। पूरा देखने के लिए हमें और अंदर जाना पड़ेगा हुमायूं टॉम्ब को सही से देखने के लिए। ये देख सकते हैं आप मेरे पीछे, यहाँ से पूरा व्यू आ रहा है इसका हुमायूं टॉम्ब का। तो चलते हैं अब उधर ही अभी। हुमायूं टॉम्ब के पास ऊपर जहाँ से मेन व्यू आता है, ये देख सकते हैं आप, ये पूरा व्यू आता है यहाँ से ऊपर आके। ये लोकेशन है, बहुत प्यारी है, और यहाँ बच्चे हैं लेकिन भीड़ ज़्यादा नहीं है, लॉकडाउन था इसलिए, कोरोना था तो लोग इसलिए ज़्यादा आए नहीं है अभी। यहाँ पे ब्लॉग भी शूट हो रहे हैं किसी के और रील्स भी बन रही है किसी की। अंदर जाने का मेन गेट ये है हुमायूं टॉम्ब के, और यहाँ पे है कबर। यहाँ पे जूते पहनना अलाउ है नहीं, यहाँ तो शायद जूते पहनना अलाउ है, हाँ पहन सकते हैं यहाँ पे जूते, अंदर नहीं लेके जा सकते जूते। ये कबर है यहाँ पे कुछ बनी हुई अंदर टॉम्ब के अंदर। ये देख सकते हैं, ये भी कबर है यहाँ पे, और ये पूरा ऐसे बनवाइए। तो इधर से निकलते हैं हम, इधर से चले हैं, मज़ा ज़्यादा इधर भी कुछ है, दिखा देते हैं आप लोगों को इधर क्या मिलेगा हमें देखने के लिए। वैसे कोई है नहीं क्योंकि अब बंद कर रहे हैं और गार्ड आके सबको भगा रहे हैं। तो हम यहाँ पे आ गए हैं, और यहाँ भी दो कब्रें हैं किसी की, पता नहीं, चलते हैं फिर बाहर की, और जब भगा रहे हैं तो
सीटी मार मार के भगाया जा रहा है। चलते बाहर की ओर। और ये आ गए बाहर और इनकी बन रही रील्स वीडियो। हो गए भाई चले चले, कुछ और करना बना ली। अच्छा फोटो खींचे। जाने का टाइम आ गया क्योंकि गार्ड जो है वो सीटी बजाते हुए आ गए भगाने हमें। सीटी के बाद आपको आ रही होगी। तो इनकी भी रील्स कंप्लीट हो गई है तो चलते हैं। तो हमारी टॉम के सामने निज़ामुद्दीन है, हम वहाँ जाएंगे अब और कुछ खाएंगे पियेंगे वहाँ। हाँ तो भाई आ गए थे हम निज़ामुद्दीन और यहाँ आके हमें मिला सुकून बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ बैठे हम बहुत देर से हम बैठ गए यहाँ पे। बहुत सुकून की जगह है यहाँ पे। अगर आप आते हैं तो बैठे आराम से, बहुत अच्छा लगता है। ये बिल्कुल हमारी टॉम के सामने ही एकदम। और चलिए दिखाते हैं आप लोगों को फिर कैसा है। तो यहाँ रखवाएं अपने जूते, अपने जूते दे दो भाई। जूते टोकन देना पड़ेगा भाई, टोकन के बिना नहीं दोगे। अरे मुझे कैसे पता कौन सा है तुम्हारा, टोकन दोगे जब तो मुझे पता लगेगा जो तुम्हारा। तो ये हमारे हाथ में आ गया टोकन हमारा, क्या नंबर है 107। ये टोकन देंगे और यहाँ से शूज़ ले लेंगे। तो जब भी दरगाह पे आए लास्ट में शूज़ दें अपने जो ऊपर महंगे वाले जूते मेरे। और यहाँ फैजान पहन रहा अपने जूते, जो से नहीं पहन जा रहे खड़े होके। और यहाँ बहुत सारे शूज़ और रखे हैं, उतारने पड़ेंगे भाई जूते। इनको पैसे भी देने पड़ेंगे जूते रखने के लिए, ताकि आपके जूते सेफ रहें। आप पैसा पैसे दे रहे हैं इनको जूतों के। कितने हो गए भाई? 15 रुपये हो गए, मतलब 3 जोड़ी जूतों के, 5 रुपये एक जोड़ी जूतों के। कोई आपसे ज़्यादा मांगे तो मत देना। बढ़िया जूते मिल गए देखो। हाँ देखो कितने अच्छे जूते मिले, देखो कितने अच्छे जूते मिले। निज़ामुद्दीन का रास्ता पूरा, ये कुन फाया कुन गाना आया था यहाँ पे। ये देखो कुन फाया कुन गाने आया था, वो हो गया उसका, रख दिया उसने, हो गया तेरा। तो अगर मैं आपको परफ्यूम वगैरह चाहिए तो आप यहाँ से आके ले सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे परफ्यूम है, मैं भी लूँगा। ये है हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह का रास्ता, जहाँ हो रही बहुत ज़्यादा भीड़। ये देख सकते हैं आप कितनी पतली गली है, यहाँ से दरगाह का रास्ता जा रहा है। और यहाँ पे रास्ते में फूल वगैरह मिलते हैं, ये चादर वगैरह सब मिलती है यहाँ पे। ये फूल मिलते हैं, चादर मिलती है यहाँ पे। और यहाँ होटल भी है, खाने वाले बोल रहे हैं खा लो भाई, गरीबों को खिला दो। तो भाई इतना छोटा रास्ता है, यहाँ पे सागर दरगाह से बाहर हम बाहर आने के बाद कुछ ऐसी माहौल है यहाँ पे। रात भी हो चुकी है, हम दोपहर के निकले हुए सब हो चुके हैं रात। और ये देखिए ये है दरगाह के बाहर का रास्ता, यहाँ हम बाहर निज़ामुद्दीन में आए। और आपको इत्र चाहिए तो इत्र यहाँ से लीजिएगा। चाचा ये इत्र दिखाया हमने, चाचा ने आप हमें भी। चाचा कैसे दिए इत्र? ये 50, 100, 200। ये 200 की है, ये 100 की है, 50 की है। 50 तो भाई क्या बोला, 50 रुपये की। हाँ तो भाई इत्र लेने हो आपको तो निज़ामुद्दीन आए और यहीं से इत्र ले। पूरी दिल्ली में सबसे बड़े इत्र यहाँ ही मिलता है और बहुत अच्छे अच्छे वैरायटी मिल जाएंगी आपको। मज़ा आ गया, ये देख सकते हैं आप। तो हम इत्र ले रहे हैं अंकल से अभी, जो सूंघा हमें ये दो दिखाएं, ये दो पसंद आए हमें, इनमें से जो एक ले रहे हैं हम। तो इसमें से चाचा निकाल रहे भी इत्र और इसमें करेंगे, हमने ले लिया इत्र। तो देखते हैं क्योंकि बड़ी वाली बॉटल तो बहुत ज़्यादा महंगी पड़ जाएगी, हम थोड़ा सा ही ले लेते हैं अभी। वाह
पी जाओ। चाचा दो डिब्बे में कर दो वैसे। हाँ एक और भर जाएंगे कहिए तो। नहीं चाचा एक ही। एक ही? हाँ। ले ले ले। लेकिन दे दोगे तुम? हाँ ले ले। चलो एक और दे दो। हाँ ले ले पैसे दूंगा। मुझसे पैसे मांग रहा है, मैं से पैसे नहीं दूंगा। भाई तू खुद लेना ले रहा है तो मैं क्यों दूंगा? मैं तुमसे काम मांग रहा हूँ, बहुत पैसा है जी। मेरे भी दे दे। बहुत पैसा, बहुत मेरे भी दे दे। कितना पैसा है? मुझे टोपी भी दे दे। 100 रुपए कितने पैसे? और यहाँ आ गया है एक और इत्र जो फैजान ले रहा है। और ये हो चुका पैक। ये आ गया हमारे पास। ये फैजान का ये है, बहुत कीमती, इसमें हीरा है। और ये जो है हमें अर्तुरुल गाजी ने दिया अमानत के तौर में, इसको रख लो। अच्छा कुछ बताएंगे थोड़ा परफ्यूम के बारे में? अच्छा अच्छा तारीफ नहीं करनी चाचा, परफ्यूम के बारे में बताना। बताइए कुछ इत्र के बारे में, कुछ बताइए हमें चाचा। सबसे महंगा इत्र कौन सा? इत्र महंगा कौन सा? सबसे सबसे महंगे वाइट वुड आता है, वाइट मस्क आता है। अच्छा, और आसानी वुड आता है आपके पास? जो आप जो आपने 400 रुपये तोला 400 रुपये तोला सबसे महंगा आता है वाइट वुड। वाइट वुड यहाँ 400 है, बाहर 600-800। जो हमने लिया है वो हजर असद है, 250 रुपये तोला। वो जो 200 रुपये तोला है? अच्छा अच्छा, वैसे बढ़िया है, वो भी खुशबू भी अच्छी है उसकी काफी। वाइट वुड दिखा देंगे अंकल? चाचा कहाँ है, दिखा दीजिए एक बार। ये अब हम देख रहे हैं वाइट वुड। सुनगा तो थोड़ा सा, ये है। तुम तो सुन नहीं पाओगे गाइस लोगों, तो हम सुन देख लेते हैं इसको स्मेल करके कैसा है। अब इसे दिखा दीजिए। अच्छा चंद दिया थोड़ा सा। ये वाइट यही तो तलाश थे। ये वाइट ये कौन सा? वाइट मस्क। तो यहाँ बहुत सारे दिखा रखे हमें इतर चाचा ने। जो सबसे अच्छा था वो मुझे वाइट हुड लगा है, बट मैंने ले लिया। आप दोबारा आएंगे दिन तब ले लेंगे और जब हो जाएगा वो। लाइट है ना ज़ाफ़रान करके, इसको कहाँ लगाओ? मेरे तो हाथ ही भर गया चाचा। अरे कोई बात नहीं, क्या लगा दीजिए इसमें ज़्यादा मज़ा नहीं आया। वाइट वुड सबसे सही लगा मेरे को, वाइट वुड है। घूम लिए दोपहर से, अब रात हो चुकी है और मज़ा भी आया हमें काफ़ी। निज़ाम तीन हो गया, मज़ा आया। तुझे मज़ा आया? पेट भर के मज़ा आया, पेट भर के मज़ा आया, भर के मज़ा आया, लेकिन भूख लग रही है, जल्दी से चलो। चलो फिर चलते हैं, ब्लॉग खत्म करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब चैनल को फोड़ डालें। और रुक गया देखता देखता। चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।